नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है टेंडर ईएमडी और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये टेंडर ईएमडी क्या होता है, इसका कैसा प्रोसेस होता है, ये कितना परसेंटेज होता है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। दोस्तों, ये एक सैंपल नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का फॉर्म है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, कोई भी टेंडर जब फ्लोट होता है तो सबसे पहले उसका एक एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस निकलता है। तो उस नोटिस में जो मेन चीज़ मेंशन की रहती है, जैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गया, प्रोजेक्ट का डिटेल्स, प्रोजेक्ट का नेम हो गया, टाइम ऑफ कंप्लीशन हो गया, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हो गया, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इसमें वो कॉलम मेंशन किया रहता है, उसके साथ ही उसकी अमाउंट भी मेंशन की रहती है और वो कैसे सबमिट करना है, वो कैसे ड्रॉ करना है, वो सब मेंशन किया हुआ रहता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्ट में ईएमडी बोलते हैं या फिर बिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, तो ये क्या रहता है, ये एक सर्टन एक अमाउंट रहता है जो मतलब क्लाइंट रहता है, वो क्लाइंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर से या बिडर से लिया जाता है, ताकि सिर्फ सीरियस बिडर ही इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और उसके बाद ये जो ईएमडी रहती है वो मेनली टेंडरिंग और बिडिंग प्रोसेस में और रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन में भी यूज़ की जाती है। इसको हम टेंडर सिक्योरिटी और बिड सिक्योरिटी भी या फिर बिड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ये अलग टाइम में सबमिट की जा सकती है, आइदर डिमांड ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं और बैंक गारंटी में भी कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स स्पेशली मेनली। तो अगर जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर में ईएमडी जॉइंट ईएमडी आ सकते हैं, मतलब जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके जॉइंट वेंचर मेंबर का भी जो भी उनका रेशो रहेगा उसके हिसाब से वो एक कंसोर्टियम में उसका अमाउंट शेयर कर सकते हैं। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का अमाउंट जो भी है वो 1 या 2% तक होता है गवर्नमेंट में, मैक्सिमम 1% ही होता है, कभी कभी 1.5 या 2% भी होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1% या 2%। और ये ईएमडी जो है एक डिपॉजिट है, ये एज अ गारंटी मतलब बिल्डर की तरफ से वो एज अ गारंटी लिया जाता है, ताकि बाय ओनर या क्लाइंट से, कि अगर कॉन्ट्रैक्टर काम जो भी है काम मिला हुआ काम अगर रिफ्यूज़ कर दे, काम मिलने के बाद अगर रिफ्यूज़ कर दे तो इन केस वो ईएमडी उसको क्लाइंट वापस नहीं करते, और जनरली वो 1 या 2% होता है। और ये अगर जो बिडर में प्रोसेस मतलब बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और इसके बाद एक किसी एक को तो टेंडर मिलता है, बाकी अनसक्सेसफुल रहते हैं, जो अनसक्सेसफुल रहते हैं उनको वो ईएमडी वापस किया जाता है, वो कुछ सर्टन पीरियड रहता है जैसे कि 60 डेज और वट एवर मैंशन, उनसे वो वापस किया जाता है। अभी हम प्रोसेस देखेंगे। अभी इसमें मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है 100 करोड़ रुपए का और उसका ईएमडी है 1 करोड़ रुपए। अब इसमें 5 बिडर ने हिस्सा ले लिया और मान ले 5वें बिडर को वो काम मिल गया, तो उसका ईएमडी 1 करोड़ ये क्लाइंट ले लेता है और बाकी 4 का ईएमडी उनको वापस कर देता है। और ये जो L1 रहता है 5वां बिडर, तो उसका ये 1 करोड़ रुपया जो भी है ये इसने आइदर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अगर भरी तो उसको वापस कर देते हैं, नहीं तो फिर ये ईएमडी जो 1 करोड़ रुपए उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट में ट्रांसफर कर देते हैं। वो हर टेंडर में अलग अलग कंडीशन रहता है, अलग अलग क्लाइंट के हिसाब से वो कंडीशंस मेंशन रहता है। अभी इसका वैलिडिटी, अभी हम देखेंगे कि जो ईएमडी जो अनसक्सेसफुल बिल्डर का है वो 60 दिन के अंदर मतलब अगर उसने क्लेम किया तो ही रिटर्न करते हैं, अगर 60 दिन के अंदर उसने क्लेम नहीं किया तो ये उसका ईएमडी उसको वापस नहीं मिलता, तो इसलिए वैलिडिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर सक्सेसफुल बिल्डर का ऐसा है, ये अगर वो बिल्डर जो सक्सेसफुल बिल्डर है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करने में या फिर नेसेसरी परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट करने में एग्रीमेंट करने में अगर सक्सेसफुल फेल हो जाता है तो फिर यही उसका ईएमडी फॉरफिट की जाती है। और ये परफॉर्मेंस गारंटी सक्सेसफुल बिल्डर को 21 दिन के अंदर सबमिट करनी रहती है, जनरल ये कंडीशन है, अगर नहीं किया तो उसका ईएमडी फॉरफिट कर देते हैं। और
अगर जो सबमिट या नेक्स्ट मनी डिपॉजिट जो सक्सेसफुल बिडर का रहता है वो उसका सिक्योरिटी या फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देने के बाद रिलीज करते हैं। अभी एक चीज देखिएगा, अगर बिडर ने बिड कैंसिल किया कॉन्ट्रैक्ट का, तो ड्यूरिंग बिड प्रोसेस ऑप्शन, मतलब बिड प्रोसेस ऑप्शन के अंदर अगर उसने कैंसिल कर दिया तो उसको अर्नेस्ट मनी रिटर्न किया जाता है। और अगर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन पीरियड के बाद में कैंसिल किया बिड, तो उसको अर्नेस्ट मनी कैंसिल नहीं किया जाता, नॉन रिफंडेबल रहता है। और सबसे और चीज ध्यान में रखिए कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्टर्स को, और ईएमडी जो भी रहता है लोएस्ट टेंडर या फिर लोएस्ट बीडर, वो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है डिपार्टमेंट से एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसको मतलब उसको सक्सेसफुल वर्क का सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट करते हैं और उसको एज अ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह से उसको वो क्लाइंट की तरफ जमा रहता है, और काम खत्म होने के बाद या फिर कुछ जगह जो भी कंडीशन है उसके बाद उसको रिलीज करते हैं। अभी ईएमडी में कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एग्जम्पशन भी मिलता है। अभी किन लोगों को एग्जम्पशन मिलता है, तो अभी देखिए जो एमएसएमई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्ट्रेशन किए हुए बिल्डर्स है या कॉन्ट्रैक्टर्स है, या फिर स्मॉल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में है, वो लोगों को उनका सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ईएमडी एग्जम्पशन मिलता है। और इसके साथ ही ये पीडब्ल्यूडी जो में जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स रजिस्टर करते हैं उन लोगों को भी ईएमडी एग्जम्पशन मिलता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल कंटिन्यूस देखिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।